हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ठीक है वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिएगा प्रीवियस वीडियो के बारे में आपको जानकारी दे दूँ उसमें मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो किया था उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अपने फॉर्म को फिल करने से पहले और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है दस नवंबर दो हज़ार तेईस तो इससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म फ़िल कर लेना है तो सिलेबस में हम बात करेंगे लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री की तो सबसे पहले जान लीजिए लेवल वन का पेपर कौन दे सकता है जो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ इसको फिफ्थ कर लेंगे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लेवल वन क्लियर करना पड़ेगा इस्टेट का लेवल टू रहता है छठी से लेकर कर दसवीं कक्षा तक के लिए लेवल थ्री की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है क्लास एलेवन ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन आई होप आपको समझ आया होगा तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे लेवल वन के सिलेबस की जो कि रहता है प्राइमरी टीचर के लिए सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी टॉपिक्स रहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप बिटवीन सिक्स टू अलेवन ईयर्स इंटरप्रिटेटिंग द करेक्ट्रिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर इंटरेक्शन विद लर्नर्स क्वालिटीज़ ऑफ गुड फैसिलिटेटर ठीक है ये दिख रहा थोड़ा सा है लेकिन इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे जो कि सी टेट एस टेट या फिर कोई भी स्टेट टेट में कॉमन होते हैं यानी कि सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने मिलता है तो इसके लिए आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है सी टेट वाली प्ले लिस्ट पर जाना है वहाँ आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के ठीक है टीचिंग एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे काफ़ी क्वेश्चन तो उनको ज़रूर देख के जाइएगा चलिए अगला हम डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज है अगला सब्जेक्ट इसमें हिंदी और इंग्लिश होगा ठीक है कमांड ओवर द लैंग्वेज बेसिक स्किल्स एंड ग्रामर वो ठीक है कमांड ओवर द लैंग्वेज का मतलब है आपको लैंग्वेज का हर एक हिस्सा पता होना चाहिए ठीक है जैसे कि नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव और हिंदी में बात की जाए तो संज्ञा सर्वनाम ये सब मैंने ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का करवा रखी है अपने चैनल पे वो प्लेलिस्ट आप हिंदी के लिए देख लेंगे इंग्लिश की वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है आगे बाकी के टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी इंग्लिश के लिए ठीक है आप देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस तो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट आपको देखने मिल रहे हैं इसमें से बनेगा आपका वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग कोडिंग एंड डिकॉडिंग न्यूमेरिकल इफ़िशियंसी बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हरियाणा अगर जी की बात आए तो आपको हरियाणा के बारे में पढ़ जाना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड ई इसमें है पैडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट आई रिपीट पैडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ठीक है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए किसके मैथ्स और ई वी की टॉपिक्स रिवॉल्विंग अराउंड फर्स्ट टू फोर्थ इन हरियाणा गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल तो ये था आपका लेवल वन का सिलेबस अब मैं आपको दिखा देती हूँ लेवल वन का एग्जाम पैटर्न ठीक है लेवल टू पे हम बाद में जाएंगे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न लेवल वन का तो इसमें क्वेश्चन रहेंगे डेढ़ सौ टोटल मार्क्स भी रहेंगे डेढ़ सौ ड्यूरेशन यानी समय मिलेगा आपको ढाई घंटे का क्वेश्चन रहेंगे आपके एम चार ऑप्शन वाले यानी कि मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन आएगा आपका ऑफलाइन ओ एम शीट आपको दी जाएगी उसमें आपको गोले सर्कल भरने होंगे ठीक है जो सही ऑप्शन आप चुनेंगे उसको काला आपको करना होता है तो ये तो आपको पता ही होगा लेकिन जो पहली बार देंगे उनके लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ ठीक है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई भी देखने को आपको नहीं मिलेगी चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें लेवल वन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के यहाँ पर तीस क्वेश्चन बनेंगे दस 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 नंबर के ठीक है थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज लैंग्वेज में पंद्रह हिंदी के पंद्रह इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे टोटल मार्क्स आपके रहेंगे तीस ठीक है पंद्रह और पंद्रह तीस हो गए इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स के थर्टी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो थर्टी मार्क्स के रहेंगे इन्वामेंटल स्टडी के थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स तो कुछ इस तरीके से आपका जो पेपर है वो डेढ़ सौ नंबर का होगा जिसमें कि डेढ़ सौ क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं ठीक है तो ये था आपका लेवल वन का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न चलिए चलते हैं लेवल टू की तरफ वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है आपको हेल्पफुल लग रही है यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ औरों को ज़रूर शेयर कर देना ठीक है क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सिलेबस के आधार पर तैयारी अपनी जारी रख सकें चलिए लेवल टू में यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडगॉजी जैसे कि लेवल वन में था एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट फॉर द एज ग्रुप बिटवीन इलेवन एंड सिक्सटीन ईयर्स तो यहाँ पर चीज़ें सेम है लेकिन बच्चों का एज ग्रुप बढ़ गया ठीक है इंटरप्रेटिंग द करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर इंटरेक्शन विद लर्नर एंड क्वालिटीज ऑफ गुड फैसिलिटेटर सिंपल है इसके बाद है आप लैंग्वेज में कमांड ऑफर द लैंग्वेज बेसिक स्किल्स एंड ग्रामर वोकेबलरी यानी हिंदी में आपको सब कुछ पढ़ना है इंग्लिश में आपको सब कुछ पढ़ना है ठीक है लैंग्वेज का पूरा पार्ट आपको पढ़ के जाना है क्योंकि बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे आपको पूरा ग्रामर कवर कराना होता है लैंग्वेज पर पकड़ बनानी होती है इसके बाद है आप कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए इसके बाद ये है ठीक है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस तो इसी में ये आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द एज ग्रुप एलेवन एंड सिक्सटीन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग न्यूमेरिकल इफिशियंसी बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हरियाणा ठीक है जैसे कि लेवल वन में मैंने आपको बताया हरियाणा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो ये था आपका सिलेबस लेवल टू के लिए ठीक है ये देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट चूजन बाय कैंडिडेट ठीक है जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे अब सेकेंड लेवल में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग तो उसमें से क्या पूछा जाएगा आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर क्लासेस बिटवीन सिक्स एंड टेन ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक एटसेट्रा जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपको करके जानी है देखिए परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में लाऊंगी उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एस्टेट पूछता है ठीक है तो ये था आपका लेवल टू का सिलेबस अब मैं आपको दिखा देती हूँ लेवल टू का एग्जाम पैटर्न ये देखिए क्वेश्चन रहेंगे डेढ़ सौ टोटल मार्क्स भी डेढ़ सौ टाइम रहेगा ढाई घंटे का एमसीक्यू रहेंगे ऑफलाइन मोड में पेपर होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है लेवल टू में भी आए समझ चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा यहाँ से कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे लेवल टू में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जनरल अवेयरनेस के एंड रीजनिंग के थर्टी क्वेश्चन होंगे थर्टी मार्क्स के ठीक है तीन सब्जेक्ट हैं तो टेन प्लस टेन प्लस टेन ओके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैटागोजी के थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स इसके बाद है यहाँ पर लैंग्वेज के फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन यानी कि पंद्रह हिंदी के पंद्रह इंग्लिश के थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट मीन्स सोशल साइंस हो सकता है आपका मैथ्स हो सकता है फिजिकल एजुकेशन आर्ट म्यूजिक उर्दू ठीक है वट जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा साठ नंबर के क्वेश्चन आएंगे ठीक है साठ नंबर के साठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे क्लियर हुआ चलिए तो ये था आपका लेवल टू का एग्ज़ाम पैटर्न चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेवल थ्री के सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न की ये है लेवल थ्री का सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट फॉर द एज ग्रुप फोर्टीन एंड सेवनटीन ईयर्स ठीक है बिटवीन फोटीन एंड सेवनटीन ईयर्स तो सिंपल है सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है बस बच्चों का एज ग्रुप बदल रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप लेवल अपना बढ़ाएंगे एसटेट का तो वहाँ पर बच्चों की जो क्लासेस हैं वो भी बड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पर एज ग्रुप भी बढ़ गया है ना तो so, इसके आधार पर ही आपको तैयारी तो करनी है इसके बाद यहाँ पर इंटरप्रेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इंटरेक्शन विद लर्नर्स क्वालिटीज़ ऑफ गुड फैसिलिटेटर आपको पता होनी चाहिए जी लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश वही कमांड होनी चाहिए पूरी लैंग्वेज पर बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए Uh, जैसे लिखना बोलना पढ़ना सुनना ठीक है ये सारी चीज़ें भाषा की स्किल आपको पता होनी चाहिए ग्रामर पता होना चाहिए वोकेबलरी आपकी बेटर होनी चाहिए इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस तो सिंपल है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर द एज ग्रुप फोटीन एंड सेवेंटीन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको पता होना चाहिए कोडिंग डिकॉर्डिंग नंबर सीरीज़ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की तैयारी आपको कर लेनी है न्यूमेरिकल एफिशियंसीज बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हरियाणा ठीक है तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बस आपको लेवल और क्वेश्चन का लेवल अलग देखने को मिल सकता है ठीक है सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स बायोलॉजी पॉलिटिकल साइंस एटसेट्रा तो अपने सब्जेक्ट के आधार पर इन साठ क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर इन बिटवीन टेंथ एंड ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक एटसेट्रा चलिए अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं डेढ़ सौ क्वेश्चन आएंगे डेढ़ सौ मार्क्स के रहेंगे टाइम रहेगा ढाई घंटे का एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं है ठीक है यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे मतलब कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के दस दस क्वेश्चन बनेंगे ठीक है टेन प्लस टेन प्लस टेन थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के यहाँ पर थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन क्वेश्चन आएंगे ठीक है पंद्रह हिंदी के पंद्रह इंग्लिश के तो टोटल थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसमें से मैंने आपको बताया साठ नंबर का वो पार्ट रहेगा साठ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपका जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ से तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है ठीक है और टोटल मार्क्स रहेंगे साठ तो इस तरीके से आपका हर एक पेपर चाहे लेवल वन हो लेवल टू हो या फिर लेवल थ्री हो तीनों ही पेपर डेढ़ सौ नंबर के हैं ठीक है थीके? कोई और अगर आपकी क्वेरी है ठीक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हम कोशिश करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरे चैनल पर प्ले पड़ी है कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर तो उनको ज़रूर देख के जाइएगा आपको बड़ी बड़ी किताबों में थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी ठीक है पहले वीडियोस आप देखिए उसके बाद किताबें पढ़ लीजिए और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जो कि मैंने ट्रिक की सहायता से आपको करवा रखे हैं तो आपका टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है एंड ऑल द बेस्ट अपनी तैयारी जारी रखिए और कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा एस्टेट के रिगार्डिंग तो वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग